भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब प्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। खबरदार किसी ने इन पर वार किया तो ये चाहे मुझे अपना बेटा माने या ना माने, मगर इनकी सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है और वो मैं जीवन भर करता रहूंगा। देख लो जीजा भाई, जिस भीमराव को आप जीवन भर श्राप देती रही, उसे भला बुरा सुनाती रही, आज वही भीमराव आपकी रक्षा करने के लिए खड़ा हो गया है। यह तो फुलिया कही रही है कि जीजा भाई भीमराव के भक्त हो गई है। छोड़िए इसे, भीम को जीजाबाई जैसे देख रही है, वैसे तो लग रहा है कि जीजाबाई भीम की कृतज्ञ हो गई है। जीजाबाई, इन सब की बातों में मत आना, भीम ने तुम्हारी रक्षा की है। देखो भीम को और जाकर कह दो कि वो तुम्हारा बेटा है। बाबा, बाबा आप शांत रहिए। हाँ आई, कह दीजिए ना भीमबाव से कि वो आपके बेटे हैं। आई चलिए अंदर, ये सब जबरदस्ती नहीं कर सकते आपके साथ। और इनका जो मन होगा ना वही करेंगी ये। करुणा आई, अगर भीम को बेटा कहती है तो अच्छा ही है ना। जीजा भाई कह दो भीम को बेटा। कह दो जीजा भाई। हाँ काकी, कह दीजिए। हाँ जीजा भाई, कह दो ना। हाँ जीजा भाई, कह दो। जीजा भाई ऐसे शांत खड़ी है, लग रहा है कि भीम का बेटा मान ही नहीं। कह दो जीजा भाई, कह दो। हाँ जीजा भाई, मैंने रिश्ते खोए हैं तो मैं जानता हूं जीवन में रिश्तों की अहमियत क्या होती है। मान लो इसे बेटा। हाँ जीजा भाई। चलो जीजा भाई, मैं तुम्हें भीम के पास ले चलता हूं। चलो दो जीजा भाई, कह दो। हाँ
भीम, मैं तुम्हें तुम्हें अपना दुश्मन मानती हूं। सबसे बड़ा दुश्मन जो पहले भी मानती थी। और आप अपने बेटे का हाथ पकड़िए। मेरा हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है। बात हुई ना जीजा भाई, जीजा भाई, बहुत अच्छा मौका था। अभी तू भीम को बेटे के रूप में स्वीकार कर लेती तो हमारा परिवार फिर से जुड़ जाता, बहुत अच्छा हो जाता। देखो जीजा भाई, जीवन में सुधरने के मौके बहुत कम मिलते हैं, तुम्हें मिले लेकिन तुमने अपनाया नहीं। सोचो जीजा भाई सोचो, अगर भीम के मन में थोड़ी भी साजिश होती, घृणा होती, नफरत होती तो हो तुम्हें फुलिया के मार से नहीं बचा था। जीजा भाई, वैसे तो मैं हमेशा आपको ताने देती हूँ, उल्टी ही बात करती हूँ, मगर आज मौका ऐसा है कि मैं आपको समझाने आई हूँ। हाँ। यही समझा रहे थे ना आप लोग मुझे? ये मुझे उस भीम ने चोट लगने से बचा लिया। लीजिए, फोड़ लिया सर। उस चाय की केतली से जितनी चोट आती उससे ज्यादा चोट आ गई। अब खुश? अब समझाइए मत। अब मैं जाती हूं और जाकर पट्टी उन लोगों से करवाऊंगी जो लोग मेरे पक्ष में हैं।
जिनके साथ मैं हूँ और जिनका मकसद जीवन भर उस भीमराव अंबेडकर का विरोध करना है। आज तो पक्का हो गया कि जीजा भाई इस जन्म में तो नहीं सुधरेगी। नहीं सुधरेगी। अपने घर में भी खाना नहीं खाया, लीजिए ऑफिस में खा लीजिएगा। और शिशुपाल जी को भी खिला दीजिएगा। और जो हुआ उसके लिए परेशान मत होइए। भीमबाव सच कहूं तो आज हम सब बहुत खुश हो गए थे कि आज आई आपको स्वीकार कर लेगी, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज नहीं तो कल स्वीकार कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि जब मैंने भीम को स्वीकार कर लिया तो सब कर लेंगे। हम चलते हैं। ये सही है भीम, शिशुपाल को काम पर ले जा रहे हो लेकिन अपने भाई को नहीं ले जा सकते। अरे मजदूर ढूंढ रहे थे तो अपने बाला भैया की याद नहीं आई? तुम हमेशा से यही करते हो ना, दूसरों के लिए सब करोगे लेकिन अपने भाई के लिए तुमसे कुछ नहीं होता। ऐसी बात नहीं है बाला भैया, और ऐसा कभी हो नहीं सकता कि मैं आपके बारे में ना सोचूं। मगर मुझे नहीं पता कि आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते मुझे कभी समझ ही नहीं आता है। और अगर आपको ये काम दिलवाता भी तो करुणा भाभी ऊपर से और कुछ कहने लगती, तो ये सब सोचकर मैंने आपसे बात ही नहीं की। अब करुणा कहां से बीच में आ गई? घर में तो हम सब साथ में ही रहते हैं ना। तब तुम्हारी करुणा भाभी ने कभी तुमसे कहा कि मेरे पति से बात मत करो, भाई भाई का रिश्ता छोड़ दो? अभी आप ना बात का बतंगड़ बना रहे हैं। मैं बतंगड़ बना रहा हूं? करुणा बिल्कुल सही कहती है, तुम बस अपनी तरक्की चाहते हो दूसरों की नहीं। करो जो तुम्हें सही लगता है। अब मैं अपना काम देखो कैसे करता हूं और कैसे सब ठीक कर देता हूं। आप मेरी बात तो भैया अजीब है, समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। जाने दीजिए शिशुपाल जी, अब जिसे जो समझना है वो समझे, मैं जबरदस्ती तो किसी को कुछ समझा नहीं सकता हूं। चलो भीम काम पर चलो। अरे जीजा भाई कहाँ हुई गवा? मेरी पट्टी कर दो, अगर मानते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और अगर अब भी संदेह है तो मैं यही बैठ जाऊंगी। बहने दो खुद, जो होगा सो होगा। हाँ हाँ हम सब मान गए हैं कि तुम हम लोग के पक्ष में हो अब भीम का विरोधी हो। मेरे पति की पेंशन लेने की धमकी से इतना नहीं डर गई हूँ कि समर्पण ही कर दो। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है क्योंकि जिंदा मैं भी हूँ और जिंदा भीमरमा भी है। लगता है भीमराव को कोई मजदूर नहीं मिला, अभी तक नहीं आया। सर मेरे साथ आए हैं। हे शिशुपाल, तुम कैसे हो? सेठ जी काम दे देंगे तो अच्छा हूं, नहीं तो परेशान हूं। मैं भीम के साथ इसलिए आया हूं। शिशुपाल ये काम मजदूर का है और तुम मेरे मित्र मेघनाथ के बेटे हो, तुम ये काम
सेठ जी, आपके मित्र मेघनाथ जी ने तो मुझे घर से निकाल दिया है, तो उस रिश्ते से मत रखिए, बस इस रिश्ते से रख लीजिए कि मैं मजदूर और आप मालिक। शिशुपाल कैसे समझाऊं? सर, इस वक्त समझाने की नहीं बल्कि समझने की जरूरत है। आप ऐसा समझ लीजिए कि ये आपके ऑफिस से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो करने दीजिए। ठीक है, एक काम करो भीमराव, तुम रजिस्टर लेकर शिशुपाल के साथ पुराने अखबार का बंडल लेकर जाओ और हिसाब कर लो। ठीक है सर। बहुत धन्यवाद सेठ जी। भीम, रमा के बारे में मैंने जो कहा वही सही है। जीजा भाई, आप उस सब के बारे में बात ना करें, वह अच्छा है। अरे पहले ही बहुत बवाल हो चुका है, और रही बात पूरन की ना, तो हम सब मिलके देख लेंगे कि ओकरा कैसे यहाँ से निकालेंगे। अब तुम चिंता ना करो, तुम्हारा नाम ईसम्मा नहीं आएगा। तब ठीक है। घर में सुख और शांति ढूंढने के बजाय व्यक्ति जब मोहल्ले में सुख ढूंढने लगता है तो अंत में उसका हाल जीजाबाई जैसा ही होता है। शिशुपाल सुधर गया, जीजाबाई सुधर नहीं पाए। वाह भीमराव, वाह वाह। तुम हमेशा से यही चाहते थे ना कि तुम जैसे छोटे लोग आगे आगे चलें और हमारे जैसे बड़े लोग तुम्हारे पीछे पीछे, और आज वही कर रहे हो। अच्छा लग रहा होगा, खुश होगे बहुत। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा, ना ही ये मेरी सोच है। मेरी सोच तो ये है मेघनाथ जी कि सब बराबर हो, ना कोई किसी से ऊंचा ना कोई किसी से नीचा। अच्छा, दिख रही है मुझे, दिख रही है मुझे तुम्हारी घटिया सोच। मेरे अच्छे खासे बेटे को बहला फुसला कर तुमने उसे सड़क पर ला दिया, और अब इससे ये मजदूरी करवा रहे हो। इतना ही नहीं, इसे नीचा दिखाने के लिए अपने मातहत अपने नीचे काम करवा रहे हो उसे। मैं कोई बच्चा नहीं हूं बाबा कि कोई मुझे बहला फुसला लेगा, और भीम मुझे सड़क पर नहीं ले आया, मैंने खुद चुना है अपना ये जीवन। चुप कर। इतना बड़ा हो गया लेकिन गधा का गधा रह गया, अभी तक ये भी समझ नहीं आई कि क्या चुनना है। इधर बंडल। क्या सर? पढ़ो रही सत्ता, ये ले पकड़ इसे। अरे लो पकड़ो तुम। अरे रे रे रे, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा।
ये हुआ सही। समझ में आया? इसे कहते हैं उचित चुनाव।